स्वामी जी, क्योंकि लगातार हम तनाव का जिक्र कर रहे हैं और वो हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है वो भी हम बता रहे हैं, और मैंने हॉर्मोन्स की भी बात की, तो इसी से जुड़ा एक और विषय है जिसकी बात करना और जिसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। स्वामी जी, हॉर्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी बढ़े हुए तनाव की वजह से झेलनी तो पड़ती है, और जब हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस शरीर में ज़्यादा होगा तो उससे कहीं ना कहीं शुगर लेवल इफ़ेक्ट होता है, ये आपने बताया। मूड स्विंग्स भी होते हैं, हर वक्त थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, इनडाइजेशन तक की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो पाचन परफेक्ट रहे, ये सिम्टम्स ना रहे, क्या क्या होते हैं, डिप्रेशन, OCD, और छोटे छोटे बच्चों में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, पता नहीं बहुत बुरे हालात, ऐसे ऐसे उपद्रव सामने आते हैं देख करके, और फिर जिनके मूड स्विंग आदि होते हैं और जिनका फिर अपने मन पर नियंत्रण होता, खाते भी बहुत हैं फिर मोटे भी हो जाते हैं, तो क्या करें, मूड स्विंग ना हो इसके लिए मेधावटी, मेमोरी, रिग्रीट, ओमेगा या गाय का घी एक चम्मच या ब्राह्मी घृत ले लें, और उसके लिए बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह घोटा लगा करके पिया करें। बादाम अखरोट का घोटा बताया है, कभी तुम भांग पर घोटा घोट दो, वो बड़ा खतरनाक। हाँ, तो बच्चों को बादाम रगड़ा हुआ, बादाम रगड़ा बोलते हैं हमारे पहलवान लोग, तो इसका भी सेवन करना चाहिए, और मूड स्विंग ना हो इसके लिए ना एक बार बच्चों को वेग पूर्वक देखो, ये बच्चों वाला प्राणायाम बता रहा हूँ, जवानों वाला, यंगस्टर्स वाला, मूड स्विंग होगी नहीं, एक मिनट में कितना ही चंचल मन हो कंट्रोल में, कैसे एक मिनट में 150 से 200 बार। अब इसमें सिर ना हिलाएं, कुछ मुंडी हिलाने लगते, कुछ कंधे पूरे हिलने लगते, ऐसे नहीं, इसमें हलचल पूरी फेफड़ों में होगी, तेजी से भस्त्रिका, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए भस्त्रिका, और ऐसे कपाल भाती, देखो ऐसे, ये सुपर फास्ट कपाल भाती है, देखो ट्रेन चलानी थी ना मोदी जी को, क्या बोल रहे थे, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, तो ये बुलेट कपाल भाती है, बुलेट कपाल भाती, बुलेट भस्त्रिका, और ऐसे देखो, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से बैकेक है, पहले से उथल पुथल हो रखी है, फिर कभी मुझे उलाना मत देना बाबा जी, हमने तो प्राणायाम किया था मोक्ष ही हो गया, तो ये बाकी आराम आराम से करना, तो ये भस्त्रिका कपालभाती तेजी से बहुत दिनों के बाद मैंने बताया, यंगस्टर्स ऐसे करेंगे ना तो मन इतना ऐसा, जैसे मेरा हाथ कहाँ है, घुटने पर, क्यों, मैंने यहाँ रखा, अब जैसे मेरे कहा ऊपर उठ गया, मेरे कहा नीचे आ गया, जैसे मेरे हाथ, मेरे पैर मेरे नियंत्रण में है, ऐसे ही मेरा मन भी मेरे नियंत्रण में रहता है, मैं मन के नियंत्रण में नहीं रहता, यह है योग की महिमा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, अनुलोम विलोम में पूरा हठ योग हो रहा है, हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसौर योगात हठ योग निगद्यते, देखो कितनी ऊंची बात और कितने सरल सहज शब्दों में कह दी है गुरु गोरखनाथ ने, गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने, बाया चंद्र दहिना सूर्य, इनका योग, सूर्य शक्ति अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, जीवन में शौर्य का, वीरता का, और विनय का, सहजता का, प्रेम करुणा का, दोनों शांति क्रांति का भेद निश्चय, इसका मिलन जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यही तो योग है।